बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम जो आज का लेक्चर है उसमें थोड़ी सी डिटेल आगे चल के डिस्कस करते हैं कि आगे जो है ना, हम जो हमारे सेंसर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और जो हमारी मेजरमेंट जो है ना, किस तरह आपने अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। चलते हैं। तो हमारा अगेन जो है ना, ये जो टॉपिक है, ये जो है ना, मई प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट जो पार्ट वन है और जो एल एन एस मॉरिस की जो बुक है थर्ड एडिशन, तो वहाँ से ये टेक्स्ट लिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास रेगुलेटिंग जो है ना, वो हमारे पास आ जाती है कि ट्रेड। जब आप बात करते हैं कि जो मेजरमेंट है हमारी, किस किस लिए ज़रूरत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ में ज़रूरत पड़ती है इसकी, और किस किस तरह जो है ना फंक्शन है, तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी क्लासिफाइड टू थ्री मेजर एरियाज। थ्री मेजर एरियाज थ्री हैं इनके। एक तो ये है कि आपकी जो ट्रेड है रेगुलेटिंग, उसको करना है आपने, कि आपने फिजिकल क्वांटिटी जो जिस चीज़ को मेजर करना है, तो लाइक जो है ना लेंथ है, वॉल्यूम है और मास है, उसको जो है स्टैंडर्ड यूनिट के अलॉन्ग जो है ना आपने मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा उसने चीज़ बेचनी है तो कोई स्टैंडर्ड होगा तो वो बेचेगा। वो अगर हमें कहे हमें ये जो है ना इतनी जो है ना लीटर ये चीज़ चाहिए, या इतनी जो है ना मीटर ये चीज़ चाहिए, या इतना केजी चीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी स्टैंड के बकदर जो है ना आपको जो है ना वो चीज़ देगा। अगर कोई स्टैंड ना हो, अगर कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो वो अपने अंदाज़ दे दे, तो आपकी चीज़ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी होती है। इसीलिए हम जो है ना वो रेगुलेटिंग जो है ना वो जो ट्रेड है उसमें इसको जो है ना मेजरमेंट हमारी जो है ना इस्तेमाल होती है। इसी तरह मॉनिटरिंग फंक्शंस हैं कि आपकी जो है ना वो जैसे कि दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल सम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और प्रोसेस। ठीक है, कोई आपने इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है, कोई जो है ना प्रोसेस चल रहा है, उसमें जो है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे गार्डनर है, उसने थर्मामीटर यूज़ किया है वेदर टू टर्न द हीट इन दिस ग्रीन हाउस और ओपन द विंडो टू इट हॉट, उसने मेजर करके जो है ना अपनी आगे एक्शन लेना है कि मैं जो है ना वो जो है ना इस ग्रीन हाउस को जो है ना हीट प्रोवाइड करूँ, या इसको जो है ना ये ज़्यादा गर्म हो गया तो इसके लिए विंडोज़ खोल दूँ। इस तरह आपने मॉनिटरिंग करनी होती है चीज़ों की, और बेतहाशा मतलब आप लोग आस पास अपने वो देखते होंगे इस तरह की चीज़ें, कि आप जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो उसको जो है ना चेक करने के बाद आप जो है ना आगे उसको जो है ना फॉरवर्ड जो है ना करते हैं कि भाई मैं अब ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। तो इतना मेजोरिटी ऑफ मॉनिटरिंग फंक्शन एग्जिस्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अलाउ ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल सम इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रोसेस। इस तरह आपके पास मॉनिटरिंग फंक्शन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को जो है ना कंट्रोल करने के लिए भी यूज होते हैं। इससे ना हमारे लिए ईज हो जाती है, आसानी हो जाती है कि हम जो है ना एक ह्यूमन बींग है वो इस चीज़ को जो है ना वो कर सके। ठीक है, और जो थर्ड वन है हमारे पास, यहाँ ये सी आना था, सॉरी गलत लिखा हुआ है, तो यूज इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास एक मेजर वो चीज़ है कि इसमें हमारे पास के यूज एज पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फॉर्म द थर्ड एप्लीकेशन एरिया ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। ये जो हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें हम आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाएंगे, उसमें जो है ना कमेंट्स करेंगे उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारा बड़ा एक अहम आजकल जो जो इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से, कि आप जो है ना एक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं पूरे का पूरे को, तो ये एक कंट्रोल सिस्टम है, तो एक जो है ना आपको बड़ी इसकी वास्ट एप्लीकेशन हैं, तो ये आगे चल के हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक जो है ना वो ब्लॉक डायग्राम है। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर हम देखें कोई हम कोई टेम्परेचर की बात करते हैं, आपने जो है ना जैसे हमारा एसी है, तो हम उसको जो है ना कोई वैल्यू सेट कर देते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल 26 पे जो है ना सेट कर देते हैं, तो वो आपकी रेफरेंस वैल्यू होती है। एक उसका जो है ना टेम्परेचर होता है, जो आम नॉर्मल टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल 31 है, 32 है, तो ये आपके पास एक रेफरेंस वैल्यू आपको सेट कर देते हैं। अब उसने जो है ना पूरा जो है ना कंट्रोल करना, तो वो किस तरह होता है, ऑब्वियसली बात है, एक हमारे पास इसमें जो है ना एक पूरा सिस्टम होता है, इसमें जो है ना हम जो है ना ब्लॉक डायग्राम के उसमें जो है ना सिंपल टेम्परेचर में टेम्परेचर टी एस ऑफ अ रूम इज मेंटेन्ड एट अ रेफरेंस वैल्यू ऑफ टी डी। ठीक है, तो आपने जो है ना वो जो रूम टेम्परेचर है वो रेफरेंस वैल्यू टी डी के अलॉन्ग जो है ना मेंटेन करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो है ना वो कंपैरेटर होता है,
तो कंपैरेटर जो ना एक हमारे पास ये समझ लें कि एक डिवाइस है जो कि जो ना टू वोल्टेज और करंट को जो ना बेसिकली जो ना आउटपुट जो उसका होता है उसका डिजिटल जो आ रहा होता है सिग्नल उसको जो ना कंपेयर करके जो ना एक वो देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना ये एक डिवाइस होती है वेदर जिसको हम कह सकते हैं कि जो इनपुट आती है उसकी जो उसमें उसको जो है ना सम जो है ना वैल्यू को अलोंग जो है ना उसको जो है ना करते हैं डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये कंपैरेटर से जो है ना आपकी जो है ना वो जाती है। तो इसके बाद जो है ना ये एरर सिग्नल्स ये भी जो है ना शुरू में नहीं आते जब जब आगे वैल्यू जो है ना जब टी ए आ जाता है हमारे उसके बाद ही इसको यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है ना एक हीटर के अलॉन्ग जाती है और इस तरह आपके पास रूम का एक टेम्परेचर है कि आपकी वैल्यू कम करनी है या जो है ना ज़्यादा करनी है। तो हमने जो है ना एक उसके अलॉन्ग गुजारने के बाद जो है ना आपके पास एक रूम टेम्परेचर जो है ना आ रहा होता है। ठीक है, उसी तरह फिर ये रूम टेम्परेचर की जो है ना वो उसको जो है ना मेजर करती डिवाइस को, फिर उसके बाद ये वापस में जाती है और उसमें जो है ना फिर इसकी जो है ना एरर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी डी हमने 26 की है और यहाँ पे टी ए जो है आपके पास 31 है, यहाँ ये 5 का जो है ना डिफरेंस आ गया। इसके बाद जो है ना वो जो है ना आपके पास जो है ना वो इसी तरह चलता रहेगा। अभी हीटर यहाँ असल में मैं जो है ना क्योंकि उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ एसी की, तो यहाँ आपको उसमें एसी भी लिख सकते हैं जो कूलिंग डिवाइस है। अगर हीटर की बात करें तो मे बी ये भी हो सकता है कि आप जो है ना टेम्परेचर जो है ना वो 31 करना चाह रहे हैं अपने रूम का और जो है ना आपका टेम्परेचर 20 हुआ हुआ है या 20 के सर्दियों में होता है, इन्वर्टर एसी चलते हैं, इस उसमें भी ये जो है ना आपकी एग्जांपल फिट होती है। इस हिसाब से ज़्यादा जो है ना करीब है ये आप एग्जांपल। तो ये आपकी जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं उससे जो है ना वो बिलोंग कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा वो देख लेना है कि आपका जो है ना वो किस किस तरह जो है ना वो ये फर्क कर रहा होता है फीडबैक सिस्टम। तो इसी फीडबैक सिस्टम को जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एक पूरा फीडबैक सिस्टम जो है ना ये बनता है इस तरह। तो यहाँ पे जो है ना आपने वैल्यू दी, मैंने आपको बताया कि कोई भी आपने वैल्यू दी इस तरह जो है ना कंपैरेटर से जो है ना कंपेयर करेगा वैल्यू कि जो आपने जो इनपुट है सिग्नल्स हैं उसको कंपेयर बेसिकली कर देना। मैंने पहले बताया आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कंपैरेटर के हवाले से कि आपकी जो है ना वो कोई भी जो है ना बॉल वैल्यूज हैं उसको जो है ना कंपेयर करते हैं इस तरह। फिर एरर सिग्नल में आता है कि वो वापस से जब लूप चलता है उसके बाद हम करते हैं इस तरह का वैल्यू। आपके पास जो हीटर है कूलर है जो भी रूम का टेम्परेचर के फिर टेम्परेचर डिवाइस आप अगर जो आपके पास एरर सिग्नल आते हैं उस हिसाब से जो है ना वैल्यू कंपेयर किया और फिर ये दोबारा चल पड़ता है। तो ये इस तरह का पूरा लूप चल रहा होता है। इस तरह जो है ना हम एक क्लोज लूप जो है ना इसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह आपके पास जो मेजरिंग सिस्टम है उसमें जो है ना देर आर सम जो है ना वो एक वो होता है पूरा मतलब एक डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले सेंसर है, वेरिएबल है, कन्वर्जन एलिमेंट है, सिग्नल प्रोसेसिंग है और ये फिर जो है ना आपके पास जो है ना वो ऑप्शनल जो है ना वो होती है अगर आपने आउटपुट डिस्प्ले रिकॉर्डिंग करनी है या सिग्नल ब्लेंडिंग करनी है तो ये उसके लिए ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन ये जो आपके पास ये 3 जो है ना आपके पास ये मेन जो है ना आपके पास वो होते हैं आउटपुट जो है ना मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो अ मेजरिंग सिस्टम एग्जिस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। कि आपने जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू को जो है ना वो एक मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सिस्टम कैन कंसिस्ट ओनली ऑफ सिंगल यूनिट दैट गिव आउटपुट रीडिंग एंड सिग्नल अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ अननोन वेरिएबल अप्लाइड टू इट। तो इसी तरह जो एक सिंपल सम केसेस होते हैं सिर्फ एक ही जो है ना वो यूनिट होता है और वो सारा कुछ आउटपुट रीडिंग दे रहा होता है सारा कुछ दे रहा होता है। लेकिन जब आप मोर कम्प्लेक्स जो सिचुएशन की बात करते हैं तो उसमें जो है सेवरल पार्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें अब जो पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के, इसको थोड़ा सा और मैं बता दूँ उसके बाद जो हम नेक्स्ट साइड उसमें डिस्कस करेंगे कि ये हर पार्ट किसके लिए यूज होता है। इस तरह टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द मेजरमेंट सिस्टम वेदर कंटेन ओनली वन और मोर मैनी एलिमेंट एंड द टर्म विल बी यूज्ड थ्रू आउट। ठीक है, तो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एक जो टर्म यूज होगी वो बेसिकली मेजरिंग सिस्टम के लिए जो है ना हम बात करते हैं। इसमें हो सकता है कि ओनली वन जो है ना हो और मे बी जो है ना मैनी एलिमेंट्स हो जो कि जो है ना हम जो है ना इसको एक यूज़ करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम यूज़ करेंगे आगे चल के।
ये हो सकता है पूरा सिस्टम इसके अंदर हो सकता है सिंपल हो, जैसे आप एक लोकल थर्मामीटर होता है जिसमें मरकरी होती है और वो आपको बताया था, तो एक सिंगल सा यूनिट होता है। इस तरह और बहुत से डिवाइस हैं, लेकिन बहुत से डिवाइस ऐसे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, गन है, लेजर गन है, तो वो उसमें पूरी जो है ना आपकी सिस्टम लगा होता है, एक जो है ना वो मैनी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट इन द मेजर सिस्टम इज द प्राइमरी सेंसर दैट गिव्स एन आउटपुट विद द फंक्शन ऑफ द मेजरेंड। तो मेजरेंड जिसको हम कहते हैं द इनपुट अप्लाइड टू इट, जो आपके पास वैल्यू इनपुट आ रही है उसको जो है ना अप्लाइड करते हैं, तो वो बेसिकली मेजरेंड उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेंसर होता है, आगे चल के ये अगर मजीद इसकी वो है, ये आपके पास सेंसर है, ठीक है। तो जिसको जो है ना जो मोस्ट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और जो है ना फॉर मोस्ट बट नॉट ऑल सेंसर दिस फंक्शन इज एट लीस्ट अप्रोक्सीमेटली लीनियर। तो ये लीनियर फंक्शन होता है, बड़ा सिंपल सा जो है ना, जैसे कि लिक्विड एंड गैस थर्मामीटर है, थर्मोकपल है, और स्ट्रेन गेजेज हैं, ये सारी की सारी जो है ना आपके पास यूज होती है। स्ट्रेन गेजेज जो है ना वो आपका डिफरेंट आप तो यहाँ लैब में नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि जब आपकी जो है ना वो किसी भी उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये मेजरिंग जो है ना वो डिवाइस होती है कितनी इसके अंदर जो है ना लोडिंग हुई है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन गेजेस का। और इसी तरह आपके पास मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर अगर हम बात करें तो आउटपुट रीडिंग इज गिवन इन टर्म ऑफ द लेवल ऑफ मरकरी, लेवल ऑफ मरकरी से जो है ना आपको सिंपली जो है ना वो मिल जाती है। तो ये जो है ना आपके पास ये जिस जो पूरा सिस्टम है पर्टिकुलर प्राइमरी सेंसर जो है जो आपके पास जो एक मरकरी का वो है वो बेसिकली कंप्लीट मेजरिंग सिस्टम है। हाउएवर इन जनरल द प्राइमरी सेंसर ओनली द पार्ट ऑफ मेजरिंग सिस्टम, लेकिन बाद क्या होता है कि जो जो आपके पास प्राइमरी सेंसर होता है वो सिर्फ जो है ना मेजरमेंट का सिस्टम होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है, लेकिन जो आपके पास मोस्टली जो आजकल जो आपके पास यूज हो रहे हैं डिवाइसेज उसमें सिर्फ ये जो है ना एक पार्ट होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज होती हैं क्योंकि डिजिटल आपके पास आगे चीज़ें। तो इसी तरह दीज आर वेरियस टाइप ऑफ प्राइमरी सेंसर अवेलेबल फॉर मेजरिंग अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बहुत सारी अब आपके पास वाइड क्वांटिटीज यूज होती हैं जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट है, तो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे आउटपुट वेरिएबल आपका जो है ना वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से जो आ रही होती है वो अगर इनकन्वीनियंट फॉर्म में इसको जो है ना कन्वर्टेड इनटू कन्वीनियंट फॉर्म, तो ये कन्वीनियंट फॉर्म कन्वर्ट करता है। सिंगल है कोई जो है ना फॉर, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग जो है ना, जैसे मैं पहले बताया कि आपने जो है ना डिस्प्लेसमेंट मेजर करें स्ट्रेन गेज यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस की जो है ना वेरिएशन से जो है ना वो बेसिकली स्ट्रेन गेज वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हो सकता है जो डिस्टेंस है वो कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड, ठीक है, वो आसानी से जो है ना मेजर्ड नहीं हो रही होती, और कन्वर्टेड सो इट इज़ कन्वर्टेड चेंज इन वोल्टेज बाय ब्रिज सर्किट, ठीक है, तो ये वोल्टेज में कन्वर्ट होती है और फिर जो है ना उसको हम विच इज़ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। तो वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट की एक बड़ी जो है ना आपके पास एग्जाम्पल है ये ब्रिज सर्किट जो है, जो कि आपकी जो डिस्टेंस को इसमें कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज के अंदर। तो बाद होता यह है कि जो है ना प्राइमरी सेंसर और जो है ना वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट और जो है ना कम्बाइंड होता है, कम्बिनेशन होता है, जिसको हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। इन सम केसेस द वर्ड सेंसर इज यूज्ड जेनेरिकली टू रेफर टू बोथ ट्रांसड्यूसर एंड ट्रांसमीटर्स, तो सेंसर का लव यूज होता है इसमें जो है ना आगे ट्रांसड्यूसर्स आते हैं ट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, दोनों चीज़ आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे पास जो नेक्स्ट है वो भी सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट है, वो भी समहाउ जो है ना इसका फंक्शन है इसी तरह, लेकिन इसका क्या करता है, ये सिग्नल जो है ना आगे पास प्रोसेसिंग एलिमेंट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम इन सम वे, ठीक है। तो ये आउटपुट जो आगे पास आ रही होती है उसको जो है ना थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे यूज होता है। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल टाइप ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, विच एम्पलीफायर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है जो आपके पास आउटपुट ऑफ अ प्राइमरी ड्यूसर वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट से जो चीज़ आ रही होती है उसकी सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन को जो है ना वो रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वेयर द प्राइमरी ड्यूसर हैज लो आउटपुट, यहाँ पे जो ना लो आउटपुट आ रही होती है जो है ना उसको जो है ना ये वो पड़ता है, जैसे कि थर्मोकपल में जो है ना टिपिकल आउटपुट है वो फ्यू मिली वोल्ट्स ही होती है, तो ये उसको जो है ना थोड़ा सा बूस्ट अप कर देता है और थोड़ा सा अच्छी उसमें जो है ना वो आप मजीद क्लैरिफाई हो जाती है इसको ये किस तरह जो है चल रही है।
चलो इसमें थोड़ा सा चूंकि इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्व है तो बाद ये है कि बच्चे इतने ज़्यादा उसको नहीं समझ पाते, तो इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी कोई आप लोगों को मुश्किल लगे तो आप पूछिएगा। तो अदर टाइप ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट आर दोज दैट फिल्टर आउट इंड्यूस नॉइज एंड रिमूव मीन लेवल्स। ठीक है, जैसे कि अगर प्रोसेसिंग एलिमेंट की बात है, जैसे कि आपके पास जो इंड्यूस नॉइज है, आपने देखे होंगे एम्पलीफायर में बहुत सारी चीज़ें आजकल आ रही हैं और जो है ना उसमें बहुत सी चीज़ को फिल्टर कर दिया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल डिवाइसेस हैं, इसमें भी जो है ना अगर आईफोन को यूज़ करें तो बड़ी क्लियर आवाज़ आती है, बाकी फ़ोन अगर चाइना के हों तो उसमें आवाज़ तो उसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, पीछे से अगर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को वो जो है ना रोक देता है, और इस तरह जो आपकी आवाज़ जो बोलना बोल रहा है उसकी आवाज़ को जो है ना वो क्लियर कर देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो आपकी आवाज़ जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल जो है ना कह सकते हैं। तो इन साउंड डिवाइस सिग्नल प्रोसेसिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ ट्रांसड्यूसर व्हिच इज देन नोन एज ट्रांसमीटर। अगर आपके पास सिग्नल प्रोसेसिंग जो है ना वो एक उसके साथ जो है ना अटैच है तो उसको ट्रांसड्यूसर के साथ उसको हम जो है ट्रांसमीटर भी कह देते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास जो फाइनल जो ऑप्शनल एलिमेंट है, ये आपके पास ऑप्शनल जो मैंने आपको डिवाइस चीज पार्ट दिखाया था, ये ऑप्शनल आपके पास है कि अगर आपने जो है ना वो किसी जो है ना वो उसको डिजिटल फॉर्म में या आउटपुट डिस्प्ले देखना है, रिकॉर्डिंग करनी है, प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डिंग करनी, इस तरह की चीज़ें, तो वो आपके पास एक ऑप्शन होते हैं। वैसे तो जो इस तीनों चीज़ों से आपको वो पूरा हो जाता है, लेकिन फर्दर अगर आपने अपनी जो है ना उसको इन्हेंस करना है उसके लिए हम बाद का ये यूज़ करते हैं। इन सम केसेस दीज एलिमेंट्स इज ओमिटेड ऑल टुगेदर बिकॉज द मेजरमेंट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल स्कीम एंड द ट्रांसमिट सिग्नल इज डायरेक्टली इन द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ना हम इसको ऑमिट भी करते हैं, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो है ना हम इसको जो है ना पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं ताकि जो है ना आपके पास जो कंट्रोल सिस्टम है वो इसको जो है ना वो कर सके, क्योंकि आपने फीडबैक लेना होता है कि भाई वो जो आपका आउटपुट आई है उससे आपने फर्दर आगे लूप चलाना होता है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसमें चीज़ों में आ जाती हैं। और अदर केसेस इस एलिमेंट द मेजरिंग सिस्टम टेक्स द फॉर्म आइदर ऑफ अ सिग्नल प्रेजेंटेशन यूनिट और ऑफ अ सिग्नल रिकॉर्डिंग यूनिट। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी जो है ना आपको सिग्नल प्रेजेंटेशन भी अगर आपने करनी है या जो है ना सिग्नल की रिकॉर्डिंग करनी है तो ये जो है ना फिर आपकी जो है ना अगर आपने मतलब जैसे कि टावर्स वगैरह में लगा होता है तो आपने जो है ना रिकॉर्डिंग करने के बाद वो देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, बोला आपने अगर एक महीने बाद दो महीने बाद एक चीज़ को चेक करना है कि उसमें क्या हुआ तो उसमें फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग यूनिट है वो बेसिकली आपका फंक्शन देता है इस तरह का। तो समाव ये यूज़ हो जाता है, बाद में बाद नहीं भी होता तो ये डिपेंड करता है आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की है। तो दीज टेक मैनी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मेजरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं, मैनी जो है ना उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम इसकी एप्लीकेशन बनाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अप्रोप्रिएट जो है ना अगर आपने कोई डिवाइस सेलेक्ट करना है तो उसके बारे में, उसके लिए ये है कि आपके पास जो है ना अगर कोई भी स्टूडेंट इंजीनियर है उसको ये चीज़ें देखनी है, उसकी जो डिज़ायर मेजरमेंट एक्यूरेसी है कि उसने कितनी एक्यूरेसी के साथ करना है और उसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी और डायनेमिक परफॉर्मेंस है। तो जो है ना इंशाल्लाह इसको हम आगे जो है ना इसको फ्यूचर में जो है ना डिस्कस करते हैं आगे चल के, जब ये वाली स्लाइड में नहीं आगे चल के आई क्लियर रहेंगे सारी की सारी। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं आपके, इसके अलॉन्ग जो है ना आपने चीज़ों को चेक करना है। और अगर हम बात करें एक इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी जो है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है ना उसको, तो इसलिए जो है ना आपने ये ज़रूर देखना है कि आपने कि अगर कोई चीज़ मैं मेजरिंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे बड़ा जो है ना वो चीज़ है कि आपकी जो है ना सर्टन जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सपेंसिव जो है ना होती है, लेकिन प्रोडक्शन जो है ना एक्सपेंसिव चाहिए होती है तो कॉस्ट भी ऑब्वियसली बात है बढ़ जाती है। तो इस वजह से इन चीज़ों की जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी परफॉर्मेंस ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और इस इंटरम ऑफ अगर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जैसे कि शीट प्रोडक्शन थर्मोकपल्स है, रिसेट थर्मोमीटर, इससे जो है ना वो देयर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है ना वो लो हो जाती है। तो इसलिए आपने चेक करना है कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसमें आपने किस तरह की डिवाइस यूज़ करना। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मशीनरी रिक्वायर द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ पर्सनल हु इज इंटीमेटली फैमिलियर विद ऑपरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सिस्टम इन क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ना एक एक्सपर्ट और जो है ना वो नॉलेज चाहिए इसके लिए किसी भी बंदे की जो कि इसको जो है ना वो इसके साथ इसकी चीज़ों के साथ फैमिलियर हो, जो कि एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और जो है ना इसको सिस्टम को जानता हो।
ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है। तो फिर उसके अलावा एक स्किल्ड जो इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, उसके पास और नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी वायरिंग जो है ना अवेलेबल है, क्वांटिटी कौन कौन सी है, और इस तरह उसमें जो है एबल टू एवेल्यूएट द पॉसिबल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन टर्म ऑफ देयर एक्यूरेसी। उसके बाद पूरी लिस्ट होनी चाहिए, वो एवेल्यूएट कर सके कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, तो हमारे लिए कौन कौन सी, उसके लिए कॉस्ट क्या है, उसके लिए सूटेबिलिटी क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, और जो है ना फिर उसके बाद वो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। एज फार एज पॉसिबल मेजरमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट शुड बी चूजन दैट आर इनसेंसिटिव एज पॉसिबल। तो ये एक बड़ा इनसेंसिटिव आपके पास होना जरूरी है एक जो है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट का। इस तरह आपके पास दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफन डिफिकल्ट टू मीट बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड अदर, तो ये इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास कॉस्ट के हवाले से और अदर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन के हवाले से आपको ये चूज करना चीजें मुश्किल होती है। तो इसी तरह द एक्सटेंट टू विच द मेजर सिस्टम विल बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मेजरिंग प्रोसेस एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंस्ट्रूमेंट चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट प्रेशर लॉस कैन बी कॉज टू द मेजर सिस्टम इन सम टेक्निक टू फ्लो मेजरमेंट। तो इसलिए जो है ना आपके पास बाद सिस्टम की ना डिस्टर्बेंस आ जाती है मेजर सिस्टम के अंदर, तो वो बड़ा एक जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी आपने देखना है कि आपने इस चीज ना इस्तेमाल करें। क्योंकि बाद अवत होता ये है कि ये एक प्रेशर जो आपके पास होता है ये बड़ी एक खतरनाक भी चीज़ ये है, समझ लें कि एक आप से एक एक्सप्लोजन है, अगर आपने इसको वक्त ही कंट्रोल ना किया तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सप्लोड हो जाए या किस तरह की चीज़ें हैं। तो बहरहाल इस तरह की जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं वो आपने सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद जो है इसका डिसीजन लेना कि मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास न्यू टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग डेवलप्ड, आगे बाद नई टेक्निक सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं और जो है नए से नए जो है पास, तो जो एक गुड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है वो अप टू डेट है। ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से उसकी जो रीडिंग है अप्रोप्रिएट टेक्निकल जर्नल रेगुलरली जो है वो पढ़ता रहे। इसी तरह आगे पास इंस्ट्रूमेंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म टेक्निकल बेसिस जो है वो उसके जो है कंपेरिजन को भी जो है देखता रहे चीज़ों को, और हायर उसकी कॉस्ट ना हो ये भी जो है बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बात उतना ज़्यादा आपको हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी। तो ये कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड रिलेटिव सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिफरेंट चीज़ें जो है ना बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें ना, सारी सारी आपने इस तरह ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करना है, मेंटेनेबिलिटी के ओल कितनी इसकी कॉस्ट रह जाती है, कितना उस पर आफ्टर कॉस्ट क्या आती है रिपेयरिंग की, उसकी परफॉर्मेंस फिर क्या है, ये सारी जो है ना एक लिस्ट है, तो वो आपने जो है इसको करना है। इसी तरह इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी आपने देखनी है और लो वेट भी देखना है उसकी जो है ना वो क्या चीज़ें, सारी सारी जो है ना एक अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए जो है ना चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जो कि कॉस्ट जो है ना वो बड़ी कोरिलेटेड है परफॉर्मेंस के साथ, ऑब्वियसली बात है जितनी ज़्यादा चीज़ महंगी होती है उतनी ज़्यादा आपके पास जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये आपने देखना है कि आपकी जो अगर आपने अगर एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी है, तो जाहिर बात है कि इंक्रीजिंग जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको करनी पड़ती ज़्यादा। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट चॉइस देयरफॉर प्रोसीड बाय स्पेसिफाइंग द मिनिमम करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड बाय मेजरिंग सिचुएशन देन सेटिंग मैन्युफैक्चरर्स है, उसकी कैटलॉग देखना है, उनकी जो है ना आपने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक देखनी है। तो इसी तरह आपके पास सुपीरियर जो होगा उसको आपने जो है ना वो सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस बात है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसकी जो है ना वो आपने देखना है कि आपने कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो हिसाब से आपने उसकी कॉस्ट लेंगे। अगर आपको लो कॉस्ट की चीज़ चल जाती है तो ऑब्वियस बात है आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं ये एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है तो आपको कॉस्ट को पे करनी पड़ेगी। इसी तरह जनरल रूल है कि अ गुड असेसमेंट ग्रेडेशन ऑब्टेंड एट द लेवल परचेज कॉस्ट एस्टिमेट, ये सारी कॉस्ट के हवाले से ही हैं बातें कि आपकी जो है ना फिर इस लाइफ देखनी है इसकी कितने साल लाइफ है एक्सपेक्टेड लाइफ, और फिर कॉस्ट पर ईयर आप कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी तरह के पास इंस्ट्रूमेंट आर बीइंग सॉल्ड वगैरह, तो उसकी जो है ना अगर आप देखेंगे कॉस्ट कम ज़्यादा है और लाइफ कम है तो वो भी आपको जो है ना वो थोड़ी सी इसके लिए वो करना पड़ेगा। इस तरह टोटल कैश कॉलिंग भी डिवाइड द पीरियड ऑफ टाइम दैट इंस्ट्रूमेंट एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर अनलेस अल्टरनेटिव यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें इसके हवाले से कि आपने उसकी वो देखनी है कितना जो है ना वो उसकी यूज़ हो सकती है और कितना कैसे वो उस फॉर्म लेके चलेंगे,
आप नहीं भी देखें आफ्टर आफ्टर इंस्टॉलिंग जो है ना उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना एक वायरिंग सिस्टम को अप्रोप्रिएट एक इंस्ट्रूमेंट देने के लिए सारी चीज़ें ये चाहिए होती हैं। तो हम जनरल अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपकी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स है, रफनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड परचेज कॉस्ट। ये जो है ना हमने ये समझ लिया कि जो आपने 5-6 स्लाइड पिछले की है उसका जो निचोड़ है वो ये 5 चीज़ें हैं। ये जब भी आप बात करेंगे तो आपके पास, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसी तरह आपके पास जो प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है वो भी इसके बाद नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और उसके पास फिजिकल क्वांटिटीज, ही मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंस्ट्रूमेंट करेक्टरिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर मेजरिंग सिचुएशन एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। ये भी एक आपके पास एक अहम चीज़ है कि एक जो यूज़ करने वाला है वो किस तरह इसको यूज़ कर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। इसके अलावा अगर आपको एक बात बताता चलो इम्पोर्टेंटली, जो एक हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं डिफरेंट जो आपके पास, उसमें एक एक प्लैनेट ऐसा है जो कि क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, जिसको हम जो है ना वीनस कहते हैं, बाकी जितने भी हैं वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की कुदरत है इसमें। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद है कुछ चीज़ समझ आई। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उससे पूछिएगा अगले लेक्चर के लिए। जल्दी कर लाभ।